हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। ये ब्लॉग नहीं है गाइस, हाँ। ये वीडियोस हैं और हम लोग वीडियोस बाकी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहे हैं और हमारे कुछ डाउट थे उनको बताने के लिए बना रहे हैं। काफ़ी लोग की भी डाउट थी, आप लोग की भी डाउट थी, तो सब लोग पूछ रहे थे, इसलिए ये वीडियोज़ बना रहे थे। इसका जो मतलब मेन फोकस हमारा होगा इस वीडियोज में वो ये होगा कि हमारे फैमिली वाले या हम दोनों के फैमिली वाले कपल का क्या है वो तो अभी तक नहीं दिखाया, बट हम लोग तो मायके और ससुराल हम दोनों जगह जाके दिखा दिए कि सारे लोग मान चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कपल की क्या है स्टोरी वो हमको नहीं पता, शायद उनकी इंटरनल ऐसा नहीं है कि नहीं मानेंगे, बस दिखाए नहीं है शायद वीडियो पे। देखो यार, घर होता है ना, वो घर में सब मान जाते हैं, चाहे वो मतलब घर के, तो यार चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, दोनों में से दोनों को इतनी ज्यादा मतलब ये लव होती है घर वाले को अपने बच्चों से, तो वो कभी कोई भी गलती कर दे। बचपन में आप गलतियां करते होंगे शायद, कुछ भी, बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते होंगे, फोन फोड़ देते होंगे, टीवी फोड़ देते होंगे या कुछ भी, तो फिर भी यार वो लोग माफ कर देते हैं ना। तो इस ये लव मैरिज भी यार इसमें भी माफी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बट बहुत सारे मतलब कि देखिए अभी बहुत सारे लोग हैं ना जो इंस्टाग्राम पे हम लोग से अभी भी बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे जो कांटेक्ट करके पूछते हैं कि हम लोग भी भाग के शादी करने वाले हैं, तुम्हारे घर वाले देखिए उनका तो हम लोग नहीं बता सकते ना कि उनका फैमिली कैसी है नहीं है, लेकिन अलग अलग होता है। एक चीज होती है कि कभी ना कभी आपकी फैमिली चाहे वो एक साल में हो, किसी का छह महीने में मान जाते हैं, किसी का दो दिन में भी, हम तो दो दिन में भी देखे हैं, किसी का किसी को लॉन्ग थोड़ा चलना पड़ता है दो तीन साल तक, तो ये अपना अपना सोच होता है, तो इस तरह से वो कभी कभार मानते हैं। बाकी अगर आप टिप्स लें हमसे मनाने की, हम लोगों की जो पर्सनल टिप्स थी कि हम लोग घर वाले से कैसे ये तो देखिए इनका अलग था मनाने का तरीका और मेरा अलग था, तो चलिए सबसे पहले हम अपना बता रहे हैं। तो देखो सबसे पहले अगर आप कहीं भी सपोज रियल केस, हम तो सबसे पहले वीडियोस में शुरू में ही बताएंगे कि यार अगर लव मैरिज करते हो तो सबसे पहले कहीं सेटल हो जाओ, उसके बाद फिर लव मैरिज को करो। ऐसा नहीं कि कहीं सेटल नहीं हो और घर से निकल जाओ, ये नहीं। हम लोग के साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं था, सेटल नहीं हुए थे फिर भी सही चला, जो भी चला क्या सही नहीं कर सकते हैं, 100% सही है। इतना है कि खा पी लेते हैं और रूम रेंट दे देते हैं, बस इतनी सी इतनी सी लाइफ थी। तो चलो अब पॉइंट पर आते हैं कि हम लोग मतलब पर्सनली मेरे घर वाले कैसे, शादी हम लोगों की हो चुकी थी, आप लोगों को लव स्टोरी तो पता ही होगा, अगर नहीं है तो ऊपर लिंक में, ऊपर आई बटन पे लिंक है तो उस पर क्लिक करके आप देख लेना, है ना। सीधा आते हैं घर वाले कैसे माने थे। तो पर्सनली हम घर वाले से यार जब से शादी हुई थी हमारी और जब तक मतलब पिछले कुछ दिनों तक, समझो कि मार्च अप्रैल तक थी ना, मार्च अप्रैल तक हम घर वाले से हरदम मतलब कॉन्टैक्ट में ही रहते थे, ऐसा नहीं कभी फ़ोन नहीं करते थे, पूरे दिन सुबह और शाम हम फ़ोन करते थे, है ना, सुबह शाम फ़ोन करते थे, चाहे वो बात करे मेरे से या नहीं करे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मुझे, लेकिन हम कॉल करते थे और हाल समाचार पूछते थे। जस्ट अगर इग्नोर करके भी वो लोग बात कर रहे हैं तो भी हम फ़ोन करते थे यार, मतलब लगातार हम कॉल करते थे। तो अगर आप होता क्या है ना, किसी को अगर आप लगातार रिमाइंड कर रहे हो ना कोई भी चीज़ को, तो उनको वो ख्याल मतलब हमेशा दिमाग में रहता है, कभी दिमाग से हटता नहीं है। तो इस तरह से यार एक पहला टिप्स ये है कि घर वाले से आप कांटेक्ट में रहो, घर वाले से कभी ऐसा नहीं। देखिए मतलब बहुत सारे कपल, ये चीज मेरे साथ भी हुआ है ऐसा ही, क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना जो मतलब डर से बात ही नहीं करते, हम तो देखे हैं, आपको देखी बता रहे हैं, यहाँ भी एक दो है जो आए हुए हैं फिलहाल, तो मतलब ऐसा ही करते हैं कि बात करना ही छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बात करना नहीं छोड़ना चाहिए सबसे पहली बात है। और अगर वो आपको गाली दे, हमें भी गाली बहुत मिली है, धमकियाँ भी बहुत मिली है, गाली भी घर वाले से बहुत मिली है, तो इस सब चीज़ों को इग्नोर करके, घर वाले हैं यार गुस्से हैं और वैसे इस बात है यार इतनी बड़ी गलती का गुस्सा तो होंगे ही, है ना, तो गुस्से हैं तो वो यार मान भी जाएंगे, बस दिल से गाली नहीं देंगे आपको, लेकिन इंटर मतलब आउटसाइड वाले गाली आपको देते रहेंगे वो हरदम। तो ये थी हमारे फैमिली को मनाने का तरीका। और उसके बाद फिर हम जैसे कांटेक्ट में रहते रहे तो मम्मी को बहुत ज़्यादा याद आती थी हमारी और हमको भी आती थी, ऑब्वियसली आपकी मम्मी को भी याद लगातार जैसे जैसे मम्मी को फ़ोन करते थे, और उसके बाद होता क्या था कि हमारी मतलब कि हम दोनों की जो फीलिंग है वो एक दूसरे से मैच होती रहती थी, रिवाइंड हम हमेशा करते रहते थे उनको कॉल करके, इस वजह से वो लोग है ना कि एक दिन हमको बुला लिए थे, तो इस वजह से हमारे फिर हम खुशी को भी लेके गए। आप वो स्टोरी देखना चाहते हैं तो वो भी लिंक मिल जाएगा आपको नीचे, तो वो देख लीजिएगा। पर्सनली मेरा ये था और खुशी बताएगी खुशी का क्या तरीका था, सेम तरीका लगभग सिमिलर है, सेम ही था हम लोग मतलब ना देखिए होता क्या था, मतलब सबसे जो लाडले होते ना उस टाइप से थे ना, तो हम लोग कभी दूर उनसे मतलब हुए ही नहीं, कॉल करते गए। मेरा भी कुछ ऐसे ही हुआ था, हमें तो ढेर सारी गाली मिलती थी और मेरे सारे लोग नहीं हमसे बात करते थे, सारे पहले तो हमको ब्लॉक कर दिए थे,
लेकिन मेरे पापा हमको ब्लॉक नहीं किए थे तो क्योंकि उनको उतना आता ही नहीं था अच्छा सा ये, तो वो सब उतना नहीं समझते, बाकी तो घर में सब पढ़े लिखे हैं तो वो ब्लॉक नहीं किए थे, तो उनसे ही कॉन्टैक्ट होते होते हम वहाँ तक पहुँचे, उनसे कॉन्टैक्ट करते रहे करते रहे। और मेरे पड़ोसी सब जो थे ना वो सब मतलब होता है ना कि दो तीन चहेते जो होते हैं जिनसे होती है कांटेक्ट रहती है, मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहती हूँ, तो कांटेक्ट हमारी होती थी ऐसे होते 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 होते। बाकी ये है ना कि हम थोड़ा मार्केट से आते थे तो हमारे जो पड़ोसी सब है ना वो लोग मतलब एक लगा ही नहीं कि हम कुछ गलत किए हैं, क्योंकि हमारे बारे में बार बार आपको बता कि हमारे बारे में कोई हल्ला सब ये सब नहीं हुआ था, तो सारे लोग अच्छे ही समझते थे। फिर ऐसे ही कांटेक्ट होते होते फिर सारे लोग जैसे जैसे ही हम पापा हमारे मान गए ना, फिर ये चीज़ देखिए दूसरे लोग तो इसीलिए नहीं मानते थे, मतलब घर के बाकी सदस्य इसीलिए नहीं मानते थे क्योंकि उनको लगता था कि जब पापा ही इनसे नाता तोड़ लिया तो फिर हम लोग क्या है, ऐसा सबके मन में होता है। और हम भी यार रिलेशन में किसी से बात हमारी नहीं होती थी, पर्सनली हम घर वाले से ही बात करते थे, पापा से थोड़ी बहुत डर के बात करते थे, मतलब 10 दिन में लगभग थी, लेकिन मम्मी से लगातार बात करते हैं, ज़्यादा मम्मी यदि करते हैं उनको ज़्यादा पापा सपोर्ट करते हैं, तो वही पापा क्योंकि मम्मी के पास मेरे मम्मी के पास मोबाइल नहीं है तो वही पापा से फिर ना मतलब ऐसे मैसेज पे बोले थे कि मतलब मेरी सिस्टर है उसको बोले थे कि पापा बात करते हैं तो आपको बात करने में क्या, तो ऐसे करते करते मतलब एक सिस्टर से कांटेक्ट किए, फिर दूसरी वाली थी उनसे किए, इस टाइप से मेरी 2-3 सिस्टर है सबसे कांटेक्ट करते करते हम जो रक्षाबंधन में घर गए थे कुछ इसी तरीके से गए थे, मतलब कांटेक्ट पे ही गए थे। और रक्षाबंधन में ऐसा नहीं था ना हमारी, देखिए ना मेरा प्लानिंग था कि हम जाए क्या है ना, ना मेरा प्लान, सिर्फ कॉल से कांटेक्ट होती थी, कोई दिल खोल करके नहीं, हमको ये भी नहीं बोले थे कि आ जाओ, ये सब तो हम अपने फैमिली बस ये खुशी समझो कि अपने तरफ से गए थे, उसके बाद चले गए, कोई हमको ये बोले ही नहीं, क्योंकि यार नहीं भी बोलेंगे ना आपको, अगर आप घर जाते हो तो फिर आपको भगा नहीं सकता है, भले दो बात सुन लो, दो थप्पड़ लगा दे कोई। और रही बात इनको तो लेके गए नहीं थे, एक बच्चा को बाबू को लेके गए थे हम गए थे, तो भगा सकते नहीं थे, तो कोई हमको ये बोले ही नहीं कि आ जाओ, ना हमारे घर वाले का प्लानिंग था ना मेरा प्लानिंग था, बट ये बीच का जो मतलब अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा कि यार हम घर कैसे चले गए, आपको विश्वास होता था क्या? नहीं। और पता है गाइस एक बड़ी मतलब ना थोड़ा सा अजीब लगता है ना, मैं घर पे कुछ लेके भी नहीं गई थी क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं पहुंच पाऊंगी, मतलब जो फर्स्ट टाइम का रस्म होता है ना, मतलब इधर से मम्मी सब के लिए साड़ी सब जाता, सारा सामान सब, ऐसा कुछ भी हम नहीं किए क्योंकि खुद पे होता है ना, बिलीव ही नहीं था, तो इसके लिए तो अभी भी हमको बहुत शर्मिंदगी होती है यार हम कैसे चले गए, लेकिन अब कोई नहीं दोबारा जाएंगे तो सबके लिए सारा कुछ लेके जाएंगे, लेकिन कैसे चल गए ना खुद बिलीव नहीं होता था। तो इसी टाइप से मतलब आपको खुद ऐसा नहीं है, आपके पेरेंट्स हैं वो क्या है ना, आपके पेरेंट्स हैं वो मान ही जाएंगे, बट हमारे साथ तो ऐसा हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला कब क्या हो गया। और मतलब कि हमारे घर वाले जैसे मान गए ना, तो उसके बाद फिर गाँव वाले रिलेशन वाले सब मान गए, ये बोल रहे थे कि मतलब कि मतलब इन लोगों का मन था इस वजह से आ गया, हाँ, आ गया। मेरे भी घर पे तो ऐसा ही हुआ था। लेकिन गाइस मन किसका रहता है यार, अगर मान के चलो गलती कर ही दिया है तो उसको लोग माफ नहीं करेगा, कितना दिन तक लोग एक मतलब कि दुख की गांठ बांध के लेके। और अभी गाइस पता है अभी ऐसा है ना, अभी पापा हमारे हमको दोबारा बुला रहे छठ पे, बट नहीं जा सकते क्योंकि बाबू को लेके ना बार बार, इस बार तो बाबू बची गई बस में, बहुत परेशान करती है, तो सबसे ज्यादा तो इसके लिए पापा बोलते रहते हैं कि आप अब बोलते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम गए थे तो हमको बुलाए नहीं थे वो लोग। बाकी ओवरऑल वीडियोस में आपको ये टिप्स है आपके लिए, अगर आप लव मैरिज कर लिए हो या करने वाले हो तो आगे फ्यूचर में ध्यान रखना, बाकी जो कर लिए हो उसके लिए अपनी फैमिली वाले से यार हरदम कनेक्टेड रहो, है ना, चाहे वो आपको गालियां दे कुछ भी नहीं। देखिए फोन पे आपको कुछ कर तो नहीं सकते हैं, सिर्फ दो गाली ही तो बात ही कर सकते हैं, तो इसने डरने की कोई बात नहीं यार, इतनी जो ब्लॉक कर देते उसका तो कोई बात नहीं, बाकी ब्लॉक नहीं करेंगे आपके घर वाले, आपके पर्सनली आपके पापा या आपकी मम्मी या आपके भाई जो है, भाई शायद ब्लॉक कर भी दें ये नहीं कर सकता, लेकिन आपकी मम्मी और पापा ब्लॉक नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज है, जिनके घर में भाई है ना उनके लिए तो भाई हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि इनको भी नहीं है भैया जिनसे ये, हम तो सबसे बड़े हैं घर में, हाँ, और मेरे भी भैया ने, हम तो चाहते कि हमारे विकास भैया भाभी रहते, तो बट हम लोग को भैया भाभी है नहीं, तो ज़्यादा जहाँ तक हमको फील किए हैं हम कि जिनके घर में भैया भाभी रहते हैं ना वो सबसे ज़्यादा डरती है। और गाइस पता है अभी भी हम लोग घर जाते हैं ना तो हम लोग घर के बाहर नहीं जाते हैं कहीं भी, मतलब आउटसाइड होता है ना कि गाँव में घूमना, हम नहीं घूमते हैं क्योंकि गाँव का ताना भाई कान में आके सीधी लगती है यार और दिल पे लगता है, इस वजह से यार हम लोग नहीं जाते। लेकिन सच कहिए ना तो ये चीज़ ना मतलब बाकी लव मैरिज
सब कुछ मिल जाएगी आपको, पता है फैमिली वाले मिल जाएंगे, लेकिन एक शौक होता है ना शादी के बाद रिश्तेदार के यहाँ जाना, ये सब कभी मेरा अभी नहीं लगता है पूरा होगा और इनका भी नहीं होगा पूरा। रिश्तेदार वगैरह उतनी ज्यादा ये नहीं करेंगे। हाँ, जैसे मामा के लड़का इसको तो बुलाए हैं जैसा कि आप देखे थे कि गए थे, बट हमें नहीं लगता है कि हमारी मामा की लड़की सबका शादी होगा या फिर कुछ बुआ के लड़का का शादी होगा तो हमें बुलाए, बस यही शौक ना मेरा पूरा नहीं हो पाया। बाकी यार लव है तो उसमें बहुत कुछ आपको खोना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स मान गए तो आपको दुनिया का सब कुछ मिल गया, नहीं, बहुत ऐसा कुछ है जो अभी भी नहीं। बाकी यार पेरेंट्स मान गए तो उसके बाद दुनिया से क्या मतलब यार। हाँ, दुनिया माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट एक शौक होता है ना हमको, बहुत हमें बहुत अजीब लगता है कि हम मौसी के घर पे जाए, बट ये सब पता नहीं पूरा होगा कि नहीं। बाकी कोई इतनी मैटर नहीं करती है, बस आप अपने घर वाले से कनेक्टेड रहो, और हमारा ये मैसेज आप तक है कि घर वाले से कनेक्टेड रहो, चाहे वो गालियाँ दें, कुछ भी कहें, दो बात कहें आपको, आपके लिए कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट इग्नोर कर दो यार। आपके दिल में तकलीफ होगी, सपोज आपके बच्चे अगर होते हैं तो वो इस तरह से करते हैं तो आपको भी तकलीफ होगी, है ना। तो इस वजह से आप कभी अपने आप को मतलब जस्ट उनकी बात को इग्नोर करके चलो और बस खुश रहो, हैप्पी रहो। बाकी कोई दिक्कत होती है, बाकी आजकल पता है ऐसा समय आ गया है ना, क्या कम से कम अभी तक में हम लोग गाँव के 10-15 ऐसे सुन चुके हैं जो नहीं किए हैं उनको तो लगता चलो भाई वही। बाकी जवानी के उमंग में कभी दौड़ो मत, हाँ। उसके पीछे मत भागो, पहले अपनी लाइफ सेटल कर लो, उसके बाद फिर यार लव मैरिज वगैरह है, सब मान भी जाएंगे, धीरे धीरे सब मान जाएंगे अगर आप कहीं सेटल हो, कहीं जॉब पे हो, अच्छी पोस्ट पर हो या अच्छे जगह पर हो। ऐसा नहीं कि देखिए आप लोग हम लोग का वीडियो देखने आते हैं तो हम लोग अच्छा ही सजेस्ट करें, ऐसा नहीं कि आप बाकी कपल को देखते हो और एक कर लिए खुश है, एक साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, तो आपके साथ ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। सबका दिन अलग होता है, सबका समय अलग होता है, क्या पता आपकी समय खराब हो, हमारी समय खराब हो, है ना। इसलिए बस आपके लिए इन्फॉर्मेशन यही है कि पहले सेटल, किसी को देख करके, खास करके ओपन कैमरा पे, और ये बता रहे हैं हम ओपन कैमरा के पीछे यार इंटरनली बहुत कुछ राज होती है लोगों का, तो ये हम बता रहे हैं आपको कि ये नहीं सोचिए कभी भी कि हम लव मैरिज कर लिए उसके बाद यार YouTube पे वीडियोस बनाएंगे और बस पैसे कमाएंगे। भाई बहुत आसान कहना है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग कितनी मुश्किल से जी रहे हैं और कितनी मुश्किल झेले हैं अभी तक, और शायद कितनी मुश्किल झेलेंगे ये तो कह नहीं सकते, कह नहीं सकते हैं। बाकी अभी तक की लाइफ आप लोगों के साथ जो भी है हमारी लाइफ है और आप लोग से कुछ छुपी हुई नहीं है। हाँ। बाकी अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए दिल से सॉरी, अभी तक आप हमारे वीडियो को सुने उसके लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरे हिसाब से तो वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, बाकी अगर आपको कुछ टिप्स अगर ऐसा छूट गया हो तो हाँ। आप कमेंट में जरूर बताइए, पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे है, फेसबुक का भी है, आप लोग पेज को फॉलो कर लेना और पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, और लास्ट में यही कहेंगे कि अपने पेरेंट्स से हमेशा कनेक्टेड रहिए, बाकी दुनिया की बातों को इग्नोर करिए, चलिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।